Good morning, friends. Today is 21st of October 2022, Friday. आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग रिक्वेस्ट ऑल टू लाइक एंड शेयर द वीडियो अमंग द फ्रेंड सर्कल. दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, request all to subscribe the channel so that boosts my confidence on preparing and devoting some valuable times to make and prepare the video. Dollar rupee परसों, that is 19th of October में ये जो previous resistance था, that is 82.81 का, उसको तोड़ के ऊपर चला गया एंड क्लोज दिया. ऊपर कहां तक गया था? ऊपर में गया था 83.10 तक एंड क्लोज दिया था 83.01 पे. कल का अगर मॉर्निंग वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने कुछ एनालिसिस किया था रिलेटेड टू द ब्रेकआउट्स. आप देखोगे ये जो 80 से 80.20 का रेजिस्टेंस लेवल था, उसको 22 सितंबर में जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा अंदर में नहीं आया, बराबर. नेक्स्ट 6th ऑफ अक्टूबर जो आपका 82.0005 का लेवल को जो तोड़ा, वो तोड़ने के बाद फॉलो थ्रो था एंड जो रिट्रेस हुआ था वो रिट्रेस विद इन द रेंज नहीं आया. एग्रीड? उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 77.8590 पे एक रेजिस्टेंस था. ये आपका 10th ऑफ जून को ब्रेकआउट किया था. ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, लेकिन ये वापस रेंज के अंदर में नहीं आया. यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो रेजिस्टेंस था, दैट इज 77.20 का, ये आपका ब्रेकआउट दिया था 9th ऑफ मई 2022 को. ब्रेकआउट करने के बाद नो डाउट ऊपर गया, मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन विद इन द रेंज वापस नहीं आया. सो वैसा जब जब आप देखोगे ये ब्रेकआउट के बाद वापस रेंज में नहीं आया. तो व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट यस्टरडेज ब्रेक, डे बिफोर यस्टरडेज ब्रेकआउट? कल क्या हुआ? ये नो डाउट ट्रेडेड हाई ऑफ 83.2850, लेकिन क्लोज कहां पे दिया? क्लोज विद इन द रेंज, यानी वापस 82.80 के नीचे आ चुका है. व्हाट नेक्स्ट? अभी हमें दो चीज देखना है. क्या चीज देखना है? इसका हाई एंड इसका लो. अगर इसको फर्दर हायर जाना है तो इसको इस हाई को तोड़ना है. अगर ये फेल्ड ब्रेकआउट होना है तो इसका लो को तोड़ना है एंड कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ, यानी कि ये जो लो है आपका 82.55, इसके नीचे आज के दिन ट्रेड करना चाहिए एंड फॉलो थ्रू दिखना चाहिए. बट आज थोड़ा सा रेसिडुअल कवरिंग्स होगा, इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, व्हाट एवर इट मे बी, क्योंकि मंडे को दिवाली का हॉलीडे है. दैट बीइंग द केस, क्या हो सकता है कि आज मेजर कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं होगा, यानी जिनका भी ओपन पोजीशंस होगा वो लोग थोड़ा सा हल्का करके जाने में ही प्रिफरेंस देंगे. सो आज के दिन का जो मोमेंटम होगा, अगर बहुत नीचे आ जाता है 82.55 के बहुत नीचे से 82.30 या 82.20, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड. और अदरवाइज वी नीड टू वेट फॉर 25th अक्टूबर और 27th अक्टूबर, जहां पे हमें एक प्रॉपर पोजिशनिंग हम दिख पाएंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर अगेन मुंबई हॉलीडे है, करेंसीज रूपी में ज्यादा कुछ एक्टिविटी होगा नहीं. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस
रिलेटेड टू डॉलर रुपी। आइए देखते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जैसे कि परसों के दिन आपका ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नजदीक आके चुके ऊपर गया, कल क्या हुआ ड्यूरिंग द डे एक नेगेटिव कैंडल बनाने का कोशिश किया लेकिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द डेज लो एंड एक पिन बार बनाया हुआ है। अभी हमें क्या देखना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दे एंड उसके बाद फॉलो थ्रू दे, नहीं तो ये जो हाई है आपका 13th अक्टूबर का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज दे एंड फॉलो थ्रू दे। हमें आने वाले दिनों में ये दो चीजों के ऊपर ऑब्जर्वेशंस रखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर में क्या हो गया, कल लीज ट्रस्ट रिजाइंड एज द पीएम, तो अभी फिर सर्च फॉर न्यू प्राइम मिनिस्टर्स होने वाले हैं एंड रिलेटेड टू दैट वन द पॉलिसी डिसीजंस दैट द गवर्नमेंट विल टेक वो फर्दर हॉल्ट हो चुका है, यानी अभी नया गवर्नमेंट आने के बाद ही कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे। तब तक हमें सिर्फ बीओई का इनिशिएटिव्स मींस उसको ऑब्जर्व करना है। अभी इसको अगर ऊपर जाना है जैसे कि हमने बताया था ये जो स्विंग आई है इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जीबीपी आईएनएल में अगर हम देखेंगे सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, इसको अगर ऊपर जाना है तो ये जो 4th अक्टूबर एंड 5th अक्टूबर का हाई है उसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज देना है एंड उसके ऊपर फॉलो थ्रू भी देना है। अभी हम पिछले चार दिनों में पिछले तीन दिन बेसिकली आज का दिन तो शुरुआत हुआ है, पिछले तीन दिनों में प्राइस रिजेक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है लेकिन ड्रास्टिकली नीचे के तरफ रिट्रेस नहीं हो रहा है, दैट मींस ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो देयर आर ए मेजर पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। सो हमें आने वाले दिनों में ऑब्जर्व करना है कि क्या ये तोड़ता है या फेल टू ब्रेक अबव दैट वन। इन केस इट फेल्स टू ब्रेक अबव दैट वन हमारा ये टारगेट रहेगा लो को ना तोड़े, लो को अगर तोड़ देगा तो हिसाब फिर बैक टू स्क्वायर जीरो, वहां से फिर नए सिरे से हमें प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में क्या हुआ, कल एक ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव कैंडल बनाने का कोशिश किया बट प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द हायर एंड्स, एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है बट ये इन्वर्टेड पिन बार विद इन द रेंज है, इसका ज्यादा कुछ रेलेवेंस है नहीं। ओनली थिंग इज दैट ये पिन बार के हाई के ऊपर अगर प्राइस कंसोलिडेट कर जाता है इन सच ए सिनेरियो प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शंस के लिए हमें अभी देखना है कि पहले आपका 18th अक्टूबर का हाई को तोड़ना पड़ेगा देन 4th एंड 5th अक्टूबर का हाई को तोड़ना पड़ेगा अगर इसको ऊपर जाना है। यूरो आयनर में हम देखते हैं, यूरो आयनर में भी सिमिलरली वही है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक ये हायर हाई फॉर्म नहीं हो रहा है, तब तक हमें प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना पड़ेगा एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड जब तक ये हाई को नहीं तोड़ता है ऐसा ना हो कि लो को तोड़ दे, सो लो को भी तोड़ना नहीं चाहिए, अगर तोड़ देगा तो हमारा जो अभी तक का जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा एंड हमें प्राइस एक्शंस को नए सिरे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी देखते हैं डॉलर येन में क्या हो रहा है, मैजिकल फिगर 150 के ऊपर है, अभी है 150.26, बहुत ही मेजर कंसर्न से इतना रैपिडली येन डेप्रिशिएट होना नॉट गुड फॉर जापानीज इकोनॉमी। सो दैट बीइंग द केस जापान का गवर्नमेंट एंड जापान का सेंट्रल बैंक दैट इज द बीओजे क्या एक्शंस लेते हैं हमें बहुत ही कड़ी नजर रखना है। येन आईएनआर में भी सिमिलरली नए मीन्स ये जो आपका 19th अक्टूबर का जो एक ग्रीन कैंडल बनाया था कल पूरा का पूरा निगेट कर चुका है। यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, ये एक डबल बॉटम एरिया में है, डबल बॉटम एरिया में है तो
इसका मतलब ये नहीं कि हम इमीडिएटली इसको बाई करना चालू कर दें। यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर ए डाउनफॉल जो फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके बेसिस पे हमें बाई बिल्डअप नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसके बाद एक रेड कैंडल का इंतजार करना है जैसे कल हुआ है। उसके बाद अगर इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल बन जाता है समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा, इस रेड कैंडल यानी 20 अक्टूबर का रेड कैंडल के हाई के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है। इन सच सिनेरियो ये बाइंग के लिए तैयार है, एंड इन सच सिनेरियो वी कैन गो लॉन्ग फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 0.57। डॉलर कैंडी में देखते हैं, डॉलर कैंडी में कल एक बड़ा सा स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनाया हुआ है, यानी प्राइस यहां पे हेजिटेट कर रहा है कि एंड नॉन डायरेक्शनल से। दैट बीइंग द केस हमें और थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइस एक्शंस को। हालांकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है RSI पे, एंड आल्सो वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस, दैट इज द बोलिंजर बैंड में जो डाइवर्जेंस है आउटसाइड इनसाइड का है वहां पर भी है। सो हमें इंतजार रहेगा क्या ये नेकलाइन तक आता है या नहीं, 1.3500 तक आता है या नहीं। अगर ये 1.35 तक आ जाता है एंड उसके नीचे क्लोज दे देता है, देन विल आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 1.3125 1.3150। लेकिन उसके लिए पहले ये नेकलाइन तक आना पड़ेगा जो एज ऑफ नाउ फॉर लास्ट 3 days इट इज हेजिटेटिंग टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ऑसी डॉलर में भी कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद हमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहा था। क्या मिल रहा था, यहाँ पे एक 13 अक्टूबर को एक पिन बार बनाया हुआ है, इसका लोकेशन एक परफेक्ट पिन बार है। उसके बाद एक बड़ा नेगेटिव कैंडल आया, जो नेगेटिव कैंडल आपका प्रीवियस पिन बार के लो के नीचे क्लोज देने में फेल था। उसके बाद वाले दिन एक 70-80% ऑफ द प्रीवियस कैंडल के साइज का एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दैट बीइंग द केस, जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं जाता है नेगेटिविटी, यहाँ पे नेगेटिविटी एज वेल एज द अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी काफी 0.64 से 0.6450 के बीच में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे बाय के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, प्राइस सेक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। डॉलर CNH में कल आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है CNH में एट 7.2621 ऑन 19th अक्टूबर। कल प्राइस थोड़ा सा निगेट करने का कोशिश किया था, बट द लोअर एंड पे क्या हुआ, प्राइस फिर दोबारा रिजेक्ट हो गया। सेलर्स गॉट डिफीटेड एट द लोअर एंड ऑफ द कैंडल दे रेंज, उसके बाद फिर मींस मॉडरेटली हायर लेवल्स में जाके क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आपका बहुत ही क्रूशियल है CNH में। जैसे कि आप हमारे प्रीवियस एनालिसिस को देखोगे, ये मंथली क्लोज अगर 7.2650 के ऊपर दे देता है बाय अक्टूबर 31st, उसके बाद ये देयर आर हायर चांसेस कि ये 8.10 के तरफ जाएगा। 8.10 के तरफ जाएगा देन उसका इम्पैक्ट हमें रूपी में देखना है। अभी यूके ऑयल क्या हुआ, आपका डे बिफोर यस्टरडे एक बाउंस बैक किया, कल उसका फिर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करने का कोशिश किया, लेकिन हायर एंड पे एक पिन बार इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। इन सच केस हमें देखना है कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर क्लोज ना दे, अदरवाइज ये जो हमारा कैलकुलेशन है कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड देयर आर हायर चांसेस कि ये 83-84 की तरफ जा रहा है, एंड देयर मे बी अ फर्दर पॉसिबिलिटी लोअर एंड ऑफ द ट्रेंड चैनल में जा रहा है, उसको अगर मेंटेन करना है तो ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ये बना रहा है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। अभी US 10-year ट्रेजरी बहुत ही ऊपर जाके क्लोज दिया है कल, एंड अभी है 4.24, ये डूम 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 करके
ऊपर की तरफ ही जा रहा है। दैट बीइंग द केस आपका नेक्स्ट जब एक कुछ चार्ट पैटर्न हमें दिखेगा तो वी विल ट्राई टू मेजर द आपका क्या बोलते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट। यहाँ पे एक प्रोबेबल टारगेट जो है आपका 4.46 से 4.50 के बीच में एक प्रोबेबल टारगेट है, उसके तरफ ये मार्च कर रहा है, मूव कर रहा है। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है एंड द पर्सपेक्टिव टू लुक एट द करेंसीज फ्रॉम डिफरेंट साइड्स डिफरेंट एरियाज आपको अच्छा लगा होगा। इन सच ए केस लाइक द वीडियो, कॉमेंट द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल्सो दोज गाइज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल so that whenever I come out with certain updates, you get the notification. Thanks a lot and wishing you a great day ahead.